जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के फिर से एक नए एक्साइटेड वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी अभी जारी हुआ है भारतीय वायुसेना की बम्पर भर्ती की नोटिफिकेशन। दोस्तों ये जो पोस्ट है दोस्तों ग्रुप वाई की भर्ती है, इंडियन एयरफोर्स पुलिस यानी सिक्योरिटी की भर्ती है। दोस्तों उससे पहले जरूरी बात आपके लिए, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और सामने एक बेल आइकन दिखा तो बेल आइकन में प्रेस कर लिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे क्या जितने भी सर में भर्ती लाता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। चलो वीडियो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये जो भर्ती आएगा दोस्तों बहुत सारे जोन की भर्ती आएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश और भी सारी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिस जोन की हुआ है दोस्तों, ये जो जोन जो भर्ती जारी हुआ है दोस्तों आसाम की भर्ती है। दोस्तों अगर बात करें तो अगर आपकी जो जो भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं तो भर्ती जल्द ही आने वाले, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप कौन राज्य से बिलोंग करते हैं। तो जब भी इसकी भर्ती पूरी आ जाएगी दोस्तों तो मैं आपको वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों। ये जो भर्ती है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं, नियर लेक गेट एयरफोर्स स्टेशन बोरजहर गुवाहाटी आसाम की भर्ती है दोस्तों। और भी नॉर्थ ईस्ट इसमें भी एग्जाम होने वाला है। अगर बात करें तो इसकी भर्ती होने वाली है, जो भर्ती स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, 16 फरवरी 2020 से। अगर रिक्रूटमेंट अगर बात करें 6 बजे से शुरू हो जाएगा दोस्तों। ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, अगर इसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, और अगर मणिपुर इसकी जो भर्ती होगी तो 16 फरवरी से होगी। अगर इसकी पीडीएफ आप के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी लिंक दे दूंगा, या और एक वेबसाइट है उसकी लिंक दे दूंगा। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी इसकी भर्ती की जानकारी ले सकते हैं, प्लस इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों indianairforce.gov.in पर आप विजिट भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो लिंक है दे दूंगा पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दोस्तों। ये भर्ती स्टार्ट होगी दोस्तों 16 फरवरी 2020 से स्टार्ट होगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटिन टेस्ट होगी दोस्तों। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि देख पा रहे हैं 16 फरवरी को होगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा की होगी 17 फरवरी को होगी। एफडब्ल्यू टी टेस्ट टू डायनेमिक फैक्टर टेस्ट होगी 18 फरवरी को भी, रिजर्व डे है, रिजर्व हो जाएगी। इसके बाद 19 फरवरी की बात करें, 19 फरवरी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटिन टेस्ट होगी, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर की होगी ये दोस्तों। 20 फरवरी की एफडब्ल्यू टी टेस्ट होगी और 21 फरवरी का रिजर्व हो जाएगी। तो इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं आप अपने मोबाइल पर, इसकी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की दोस्तों। अगर इसमें बात करें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी इसमें हो जाएगा। अगर बात डेट ऑफ बात की बात करें तो 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 जनवरी 2003 से जो बच्चे पैदा हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10वीं+12वीं आप अगर किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो कोई भी बोर्ड से हो, चाहे वो CBSE ICSE कोई भी बोर्ड से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें इजेबल तो आप इसमें जैसे कि बताई नोटिस कैंडिडेट इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो क्या नागालैंड त्रिपुरा के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, इसमें नागालैंड और त्रिपुरा के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। अगर इसमें अगर हम हाइट की बात करें तो दोस्तों 152 सेंटीमीटर, जैसे कि देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में दोस्तों 152.5 सेंटीमीटर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ की बात करें तो कोई नहीं है दोस्तों, मिनिमम लेंथ लिमिट भी कोई इसमें रखी नहीं गई है। अगर चेस्ट की बात करें तो दोस्तों मिनिमम चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपको फुलाकर इनक्रीज होना चाहिए दोस्तों। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम भी आप इसमें होगा दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम भी इसमें हो जाएगा। अगर एनसीसी वाले के इसमें बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, हाँ दोस्तों एनसीसी वालों को भी इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। अगर बात करें और भी बहुत सारी इसमें डिटेल्स दी गई है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं ट्रेनिंग वेन्यू की अगर बात करें तो ट्रेनिंग वेन्यू कहाँ पर भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि बेंगलोर में हो सकता है, दिल्ली में कहाँ पर, जहाँ पर भी इसकी एयरफोर्स की अकेडमी है इसमें ट्रेनिंग हो सकता है आपकी दोस्तों। पी एल एस की बात करें तो जैसे कि देख पा रहे हैं अपने
नोटिफिकेशन में दोस्तों ट्रेनिंग के समय तो आपको 2 साल मिल जाता है दोस्तों, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद आपको इसकी सैलरी मिलेगी 26,900 रुपये और ट्रेनिंग के टाइम आपको 14,600 रुपये मिलेगी दोस्तों। अगर बात करें हायर क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बता दिया प्लस टू कोई भी आप अगर पास किए तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट स्पेसिफिकेशन में आपको क्वालिफिकेशन के आधार पर मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें आपको NCC भी अगर सर्टिफिकेट है तो इसमें आपकी बहुत सारी ग्रेड होती है, जैसे कि इसमें ला सकते हैं दोस्तों, प्लस 10वीं सर्टिफिकेट भी इसमें रैली के टाइम आपको ले जाना पड़ जाएगा दोस्तों। अगर इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो आपको 1.6 किलोमीटर, जैसे कि देख पा रहे हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी दोस्तों, 5 मिनट 40 सेकंड में आपको इसको क्वालिफाई करना है, आराम से हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इसके बाद दोस्तों चिनअप भी करना है, आपको चिनअप करना है, जैसे कि देख पा रहे हैं चिनअप आपको इसमें करना पड़ेगा। इसके बाद पुशअप्स करना पड़ेगा मिनिमम 20 बार और चिनअप 8 करना पड़ेगा, 8 चिनअप करना पड़ेगा, पुशअप्स करना पड़ेगा 20 पुशअप्स और बेंड कैन सिटअप करना पड़ेगा, यानी उठक बैठक करना पड़ेगा 20। रिटन एग्ज़ाम उसके बाद दोस्तों आपकी हो जाएगा रिटन एग्ज़ाम में तो जैसे देख पा रहे इंग्लिश हिंदी होगा, GK होगा, ऐसे ही कर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। रीजनिंग भी होगा, जनरल अवेयरनेस ये सारे चीज़ होगा, आपको पता है दोस्तों। अगर टाइम की बात करें तो 45 मिनट आपको मिलेगी, शायद 40 या 50 क्वेश्चन होगी दोस्तों। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसे कि इसे भी लिखा है दोस्तों 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों। एडिबिलिटी टेस्ट होगी, जैसे कि आप पता कर सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन एडिबिलिटी टेस्ट क्या है दोस्तों। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो और शायद 6/26 की होगी दोस्तों। इसमें ब्लड भी चेक करा जाएगा, आपकी छाती फाती जो भी चीज़ होती है सब स्कैन किया जाएगा इसमें। इसके बाद आपकी जो कहते हैं दोस्तों मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट निकल के बाद अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा दोस्तों। तो यही थी मेरी पूरी जानकारी इस वीडियो के बारे में। अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं दे सकूंगा दोस्तों, तो इसकी एक वेबसाइट दूंगा, तो इस वेबसाइट पर विजिट कर इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, प्लस इसकी नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही थी मेरी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलता है फिर एक वीडियो के साथ, फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।